सांसद डॉक्टर केपी यादव ने शक्ति केंद्रों के प्रभारियों के साथ की मीटिंग। सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा पिछोर के मंडल भौंती शक्ति केंद्र प्रभारी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। सांसद द्वारा सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को अपने अपने क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं तक पहुँचाने का आग्रह किया गया। इस मौके पर सांसद द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी गयी। सांसद द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया कि वह कलेक्टर द्वारा शिकायतों का निराकरण जल्द से जल्द करवाएं। विश्व ये मान रहा है कि काम अगर हो रहे हैं, जिस भारत का सपना बापू ने देखा था, महात्मा गांधी जी ने देखा था, अगर वो सपना साकार हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में होगा। पहले 2 या 4 कोठी बनती थी, अब गांव में 2-2, 4-4 सौ कोठी बन रही है। पहले 2 या 4 गैस के चूल्हे लोगों पे होते थे, अब गांव भर में हर महिला के पास। पहले बड़े बड़े गांव में तक लोगों को पैदल या कीचड़ में ट्रैक्टर से बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे, अब हर एक गांव रोड से जुड़ गया। मध्य प्रदेश में किसी प्रदेश से कोई आता था तो पहले ये लगता था कि रोड कहाँ है और गड्ढे कहाँ हैं। अब रोडों का जाम बिछ गया है। सीएम साहब ने तो इतनी योजनाएं बनाई हैं कि उन योजनाओं की गिनती करो तो अभी शाम हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सर्वजन हितैषी बहुत काम हो रहे हैं। 10 अगर काम है तो 10 में से 9 हो रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता उन 9 कामों को नहीं गिना पाता। जो एक काम नहीं होता हम उसके लिए चिल्लाते रहते हैं कि हमें वो काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। जबकि जितनी रोड़े हैं, या शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, जब 20 साल से हमारी सरकार है, माननीय शिवराज सिंह जी सीएम है, तो यहाँ जितने काम हो रहे हैं वो कौन करा रहा है? लेकिन श्रीमान कौन करा रहा है? और अगर केंद्र में जब से माननीय मोदी जी बैठे हैं, उसके पहले तो रोज पेपर और टीवी चैनल गिरे रहते हैं। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णनगर मंडी चौराहा मथुरा।